सुप्रभात बच्चों, अभी हमने जो गद्य भाग का भय लेसन शुरू किया हुआ है उसका हमने कम से कम 4-5 पैरे पढ़ लिए हैं। पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको यानी पर यह डर की पूर्ण भय नहीं है यानी जो छत से कूद जाने वाला उदाहरण है वहां तक पढ़ाया था। अब हम उसके आगे का जो है पाठ वो शुरू करेंगे, तो आप अपने बुक्स में थोड़ा ध्यान देना। शुरू करेंगे, क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक व्यक्ति की पहुंच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहां का वह भय भूला कि आफत आई, यानी इसमें क्रोध और दुख का कारण बताया है कि क्रोध और दुख के कारण मन में भय का रहता है। अगर वह भय की अवस्था को भूल जाता है तभी उस पर क्या है, आफत आ जाती है। कोई भी ऐसा कारण जिसका उसके मन में भय रहता है उस भय के अनुसार वह कार्य करता रहता है तो सही चलता है, लेकिन जैसे ही वह उसको भूलता है तो उसे उसके सामने किसी न किसी तरह की विपदा आ खड़ी होती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया है और आपको मारने दौड़ा तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे, पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब यहाँ आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने उदाहरण भी दे दिया है कि किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई हो चुकी है और उसके बाद क्या है, हम उस समय तो उससे बचकर कहीं छिपकर अपने आप को बचा लेंगे, तो ये हमारे भय नहीं। अगर हम उस घटना का वहीं पर सॉल्यूशन यानी उसको समझा बुझाकर उस बात को टाल देते हैं तो वह भय हमारा वहीं खत्म हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति ने उस द्वेष को अपने अंदर एक दुश्मनी या बैर के रूप में रख लिया तो वह किसी भी समय हमारे सामने आकर हमारे को हानि पहुंचा सकता है। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती है। यानी असभ्य लोगों के अंदर ही इस चीज की आशंका ज्यादा रहती है, असभ्य लोगों में ये स्थिति, भय की स्थिति जो है ज्यादा बनी रहती है। बाकी जो लोग हैं उन्हें इन चीजों की अधिक जानकारी नहीं होती है। अब एक प्रश्न बनेगा हमारा, असभ्य लोगों में किसकी अधिकता रहती है, यानी इनमें क्या है, भय की अधिकता रहती है, क्योंकि ये उल्टे सीधे काम कर एक दूसरे को हानि पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता है। यानी आज भी वनों के अंदर हमारे जो बहुत सी ऐसी जातियां निवास करती हैं, जो क्या है अपने दायरे के 20-25 लोगों को ही जानते हैं, उससे अधिक लोगों को नहीं जानते हैं। अतः उसे 10-12 कोष पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले तो वह उसे मारने के लिए दौड़ता है। यानी असभ्य लोग यही हो गए, इनके अंदर ये भय की अधिकता रहती है, क्योंकि देखो वो अपने आसपास के लोगों को ही जानता है। अगर 10 किलोमीटर की दूरी पर भी कोई रहता है तो अगर वो मिल जाता है तो वह ये सोचते हैं कि ये कोई हमें मारने के लिए आ गया और वो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं और अपनी रक्षा करते हैं। उसी समय के लिए ही नहीं बल्कि सब दिनों तक कर सकते हैं,
यानी कुछ समय के लिए नहीं हमेशा के लिए वो कर सकते हैं अपनी रक्षा, पर सभ्य उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती है। जो सभ्य समाज होता है उसमें अपने आप की रक्षा करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। इसी प्रकार क्या है, जंगली और असभ्य लोगों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं और उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते रहते हैं। यानी असभ्य लोग और जंगली लोग किसकी पूजा करते हैं, असभ्य और जंगली लोग किसकी पूजा पूजा करते हैं। यानी ये अपने देवी देवताओं की जो है पूजा करते रहते हैं, ताकि क्या है किसी प्रकार का उनके आसपास भय ना हो, डर न सताए, इस तरह से उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का समान असभ्यता के लक्षण है। यानी असभ्यता के क्या लक्षण है, तीसरा प्रश्न बन जाएगा, असभ्यता के क्या लक्षण है, यानी इसके क्या लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते हैं। यानी अशिक्षित होने के कारण लोगों में किसी विद्वान व्यक्ति का सम्मान, किसी महात्मा का इतना सम्मान नहीं होता जितना कि एक थानेदार का वो करते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि ये हमें कहीं ले जाकर जेल में ना डाल दे, कोई गलती हो जाए तो हमारी पिटाई ना कर दे, इसलिए वे क्या है सभी लोग जा जाकर थानेदार के आगे सिर झुकाते हैं। लेकिन एक महात्मा वहां से जा रहा है तो उसके पैरों के हाथ तक भी नहीं लगाते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बन जाएगा कि अशिक्षित लोग किसके भय के कारण किसके उपासक ज्यादा होते हैं। यानी ये प्रश्न भी बन जाएगा हमारा कि अशिक्षित लोग भय के कारण किसके उपासक ज्यादा हैं, किसके उपासक ज्यादा है, यानी थानेदार के हैं, थानेदार के ज्यादा हैं। इस प्रकार से ये दो पहने मैंने पूरे करवा दिए हैं। इसके आगे के जो पहने हैं मैं अब वो आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी। जय हिंद, जय भारत।